स्वागत है न्यूज़ फैक्टर विच। एक बार फिर मैं हाँ रितेश लक्की, असी गल कर रहे हैं पंजाबी सूबा मूवमेंट की। पंजाब किवें होंद विच आया, पिछले हिस्से विच असी भारत अते पाकिस्तान की वंड तो पहला तो लैके 1955 स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन की गल की सी, ते प्रोग्राम खत्म होया सी उस रीजनल फॉर्मूले उत्ते जिस दे विच की कई कमियां खामियां सन। कुछ गल्लां बातां पिछले एपीसोड विच होईयां सन, असी स्टडी करांगे भी पंजाब दा रीजनल फॉर्मूला की सी। सरदार हुकम सिंह, अकाली दल अते कांग्रेस दे विच एक समझ बनी ते एक पंजाब फॉर्मूला तय किया गया। इस पंजाब फॉर्मूले दे तहत पंजाब नूं दो हिस्सों विच वंडिया जाना सी। इह वंड कोई औपचारिक वंड नहीं होनी सी, सूबा एक रहना सी ते इस दे लई एक 14 मैंबरी काउंसिल कुछ अहम मुद्दों उत्ते कानून बनाउण लई, यानी कि लैजिस्लेशन लई बनाई जानी सी। पंजाब पंजाबी बोलते यानी कि पंजाबी सिख मेजोरिटी इलाकों के विच पंजाबी नूं एक प्रमुख माध्यम के रूप में रख्या जाना सीगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिता जाना सीगा, जदों कि हिंदी बोलते इलाकों विच पहली भाषा के वजों हिंदी नूं रख्या जाना सीगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला सी जिस उत्ते सूबे की रीऑर्गनाइजेशन स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन 1955 तो बाद ते उस तो वक्त की जानी सी, क्योंकि उस कमीशन की रिपोर्ट उत्ते अकाली दल अते जनसंघ, आर्य समाज अते हिंदू महासभा दोवां नूं कड़े इतराज सन। इन्हां हालातों विच पंजाब फॉर्मूले की सब तो वड्डी कमी, जिसका उल्लेख असी पिछले एपीसोड विच भी किया, सब तो वड्डी कमी सी ओ इम्बैलेंस जो कि जनसंख्या के अनुपात दे विच देखण नूं समझण नूं मिल रहा सी। सोचिया ते उलीकिया तां इह गया सी कि पंजाब पंजाबी बोलदा सूबा होएगा, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन ने दिता या जो इस रीजनल फॉर्मूले ने स्टेट की होंद दी, उस विच पंजाबी एक माइनॉरिटी सन, सिख एक माइनॉरिटी सन ते हिंदू अते हिंदी बोलते इलाके एक मेजोरिटी सन। इस गल की समझ अकाली दल नूं बहुत देर ना लाई। शुरुआती फेज दे विच मास्टर तारा सिंह, सरदार हुकम सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, ज्ञान सिंह राड़ेवाला ते प्रोफेसर जोत सिंह जेडे कि इस मुहिम नूं अगे लैके तुर रहे सन, वो इस निटी ग्रिटी नूं समझ नहीं सन पाए। एक पासे तां अकाली आगू पंजाबी सूबे लई जदोजहद कर रहे सन, लेकिन सियासी पद्धर ते अकाली दल दा संकट एक वक्रे किस्म दा उभर रहा सी। ज्ञानी करतार सिंह ते ज्ञान सिंह राड़ेवाला कांग्रेस विच शामिल हो गए। पंजाबी फॉर्मूले दे होंद विच आउण तो ठीक 9 दिन बाद पंडित जवाहर लाल नहरू ने सरदार हुकम सिंह नूं डिप्टी स्पीकर लोकसभा बना दिता, यानी कि अकाली दल दा काडर उस तो टुट के कांग्रेस विच शामिल हो गया। एक अहम सियासी मोड़ सी। इस सियासी मोड़ ने काफ़ी हद तक उस साजिश नूं भी सब दे सामने नंगा करता सी, जिस दे विच कि पंजाब फॉर्मूले दे तहत पंजाब नूं एक पंजाबी अते सिख माइनॉरिटी स्टेट दे विच बदल दिता जा चुका सी। हालांकि इस पूरी कवायद दे विच एक गल अकाली दल नूं बहुत देर बाद समझ आ रही सी, लेकिन इस पंजाबी फॉर्मूले की ज़्यादा मुखालफत आर्य समाज, जनसंघ अते हिंदू महासभा वालों शुरू हुई। ये तीनों धिर महापंजाब की कल्पना करे बैठिया सन, लेकिन महापंजाब नहीं बनया। उन्हां हालातों विच ये तीनों धिर ने पंजाब फॉर्मूले के खिलाफ एक लंबा चौड़ा संघर्ष शुरू कर दिता। पंडित जवाहर लाल नहरू उत्ते काफ़ी ज़्यादा दबाव बनया ते वो पंजाब फॉर्मूले नूं लागू नहीं कर पाए। ये उही दौर सी जदों कि हिंदी रक्षा समिति के नाँ उत्ते हिंदी नूं पंजाब दे विच बचाए जाण दी एक लंबी चौड़ी मुहिम भी विड्ढी जा चुकी सी, यानी कि हुण हिंदी भाषा अते हिंदी नूं पंजाब दे विच बचाए जाण नूं लैके एक पैरलल संघर्ष होर तेज़ हुंदा जा रहा सी, सिखरां ते पुजदा जा रहा सी, जदों कि पंजाब दे विच अकालियां दी पंजाबी सूबे दी मंग भी उस वक्त पैरलली अगे वध रही सी। पंजाबी फार्मूला लागू नहीं हो पाया। पंडित जवाहर लाल नहरू नूं इस मामले नूं हल्का ही रखना पिया ते 1956 दे चोणां दे विच पंजाब दे विच मुख्यमंत्री बन गए प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो उस शख्सियत सन, वो पॉलिटिशियन सन जो कि कांग्रेस दे कद्दावर लीडर तां सन ही, लेकिन पंजाबी सूबे दी मुखालफत हमेशा तो करदे रहे सन। अकाली दल दे वी वो सिरे दे विरोधी सन। उन्हां हालातां दे विच कांग्रेस नूं पंजाब दे विच इक ऐसा मुख्यमंत्री मिल चुका सी जो कि अकालियां नाल लड़ सकदा सी, जूझ सकदा सी। 1958 तो लैके 1960 का दौर पंजाब दे
पंथक पॉलिटिक्स दे विच भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सी। प्रताप सिंह कैरो होरां वालों मास्टर तारा सिंह नूं SGPC तो ज्ञानी करतार सिंह की मदद नाल लांबे करता गया। SGPC दे विच प्रताप सिंह कैरो की मदद का सदका मास्टर तारा सिंह महज 3 वोटां तो चोण हार गए। बेशक आने वाले कुछ महीनों लगभग 2 सालों के दोबारा मास्टर तारा सिंह SGPC ते काबज़ होए, लेकिन ये एक पहला मौका सी जदों कि कांग्रेस ने अकाली पंथिक पॉलिटिक्स अते SGPC दे विच हस्तखेप किया। 1960 विच मास्टर तारा सिंह वापस SGPC ते काबज़ होए। 1950 दे विच अकाली दल वर्किंग कमेटी दे उस रेजोल्यूशन तो ठीक 10 साल बाद 1960 दे विच SGPC दे 132 मैंबरां ने अहद किया, प्रण लिता कि पंजाबी सूबे की मंग नूं ओह हुण अपने अंजाम तक पहुँचा के दम लैणगे। 1961 दे विच पंजाबी सूबे का संघर्ष होर अगे वधदा है। इसकी अगवाई मास्टर तारा सिंह अते संत फतेह सिंह मिलकर करना शुरू कर देंगे ने। हालांकि दोनों लीडरां दे विच आपस दे विच खिचोतान भी बरकरार सी। पंडित जवाहर लाल नहरू नाल ये दोवें लीडरां दी कई मीटिंगां अलग अलग पद्धर ते अपने अपने पद्धर ते होईयां जो कि बेसिट्टा निकलियां। 15 अगस्त 1961 नूं मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग नूं लैके मरण व्रत शुरू करता। ये ऐसी भुख हड़ताल सी जिसनों कि मास्टर तारा सिंह की जिंदगी का उन्होंने सियासी करियर का टर्निंग पॉइंट भी समझा जाता है। 15 अगस्त नूं शुरू हुई यह भुख हड़ताल अक्तूबर के महीने में जाके मास्टर तारा सिंह वालों खत्म कर दी गई। पंडित जवाहर लाल नहरू के एक रिप्रजेंटेटिव उन्होंने एक नुमाइंदे हरदित मलिक ने मास्टर तारा सिंह का मुलाकात की, तो बिना कोई ठोस एश्योरेंस पंजाबी सूबे उत्ते मिलिया ही मास्टर तारा सिंह वालों ये भुख हड़ताल खत्म कर दी गई। एक ऐसी गलती सी जिसका खमियाजा मास्टर तारा सिंह ने आने वाले कई सालों तक भुगत्या, तो अकाली दल की लीडरशिप दे विच ओ हाशिए ते पहुँच गए। मास्टर तारा सिंह का किरदार, मास्टर तारा सिंह की शख्सियत 1947 तो लैके 1961 दे यानी कि पंजाब दे पंजाबी सूबा मूवमेंट दे लगभग 15 साल दे संघर्ष दे दौर विच काफ़ी अहम सी। ओ किरदार, ओ शख्सियत जिसनों कि कई लोगों ने गद्दार कहा, कई लोगों ने कौम दा हीरा कहा, उसका असल व्यक्तित्व की सी इसनों समझण दी भी कोशिश होनी जरूरी है। मास्टर तारा सिंह ना होंदे तां भारत ते पाकिस्तान दी सरहद कोई होर हुंदी। मास्टर तारा सिंह ना होंदे तां अज दा पंजाब भारत दा पंजाब ना होके पाकिस्तान दा पंजाब हुंदा। ते जो इतिहास दे विच ते जो कुछ बीते लगभग 17 सालां दे विच पाकिस्तान दे विच सिखां दे नाल या होर माइनॉरिटीज़ दे नाल हुंदा आया है, जे उस उत्ते नज़र मार ली जाए तो शायद मास्टर तारा सिंह दी इस योगदान नूं बहुत ही अणमुला मन्या जाएगा। लेकिन अज ओ लोग जो कि एक वक्रे पंजाबी सूबे की गल करते हैं, या वो लोग जो कि भारत के संघ नालों अलग खालिस्तान की मांग करते हैं, उन्हां दी नज़रां दे विच मास्टर तारा सिंह की भूमिका एक गद्दार दी सी, एक ऐसे किरदार दी सी जो कि सियासत नूं समझ नहीं सकया, पाप नहीं सकया। हालांकि मास्टर तारा सिंह नूं एक ऐसा सियासी किरदार भी मन्या जाना चाहिदा है जो कि लगातार अपनी ही लीडरशिप वालों एक तो बाद एक धोखा खांदा गया। धोखियां का सिलसिला पंडित जवाहर लाल नहरू तो शुरू हुंदा है, तो पंडित जवाहर लाल नहरू ते ही जाके खत्म हुंदा है। अकालियों के मनां दे विच 1961 की अकाली लीडरशिप या वर्करा के मनां दे विच एक टीच इस गल नूं लैके भी सी कि मास्टर तारा सिंह ने पहला 1947 विच पंडित जवाहर लाल नहरू के होके वादियां दे बेस उत्ते पंजाबी सूबे की गल मन के भारत का साथ दे के एक गलती की हो सकती है। लेकिन 1961 दे विच ही जदों भुख हड़ताल तो मास्टर तारा सिंह बिना कोई ठोस सिट्टा ले एश्योरेंस ले उठ जाते हैं, उन्होंने हालातों के अकाली वर्कर काडर इस गल तो नाराज़ हुंदा है कि मास्टर तारा सिंह दोबारा क्यों पंजाबी सूबे की मूवमेंट के नाल एक ध्रोह कर रहे हैं। 1962 दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री एक बार दोबारा प्रताप सिंह कैरो बन चुके सन। अकाली दल नूं चोणां दे विच एक करारी शिकस्त मिली सी। इस शिकस्त दा सदका इसका रिएक्शन यह होया कि अकाली दल दे विचों मास्टर तारा सिंह नूं थले करता गया। संत फतेह सिंह अकाली दल दे मोरी आगू उभर के सामने आए, तो पंजाबी सूबा मूवमेंट की वागडोर हुण संत फतेह सिंह दे हाथ विच सी। मास्टर तारा सिंह की शख्सियत नूं एनालाइज करन दी कोशिश असी इस प्रोग्राम के अगले हिस्से विच करांगे, क्योंकि मास्टर तारा सिंह
उन्हां दा मुहम्मद अली जिन्ना तो लैके पंडित नहरू तक दाल सांझ समझ ते अकाली सिख पंजाब दे इतिहास विच उन्हां दा योगदान कई चश्मियां कई रोशनियां ते कई परस्पेक्टिव्स नज़रिया दे नाल वेख्या जा सकता है। उसनू समझना काफ़ी जरूरी है। प्रोग्राम दे अगले हिस्से विच असी मास्टर तारा सिंह दी गल लैके हाज़र होवांगे।